नमस्कार है दोस्तों, छत्तीसगढ़ न्यूज अपडेट में तो इस समय की बड़ी खबर सामने आई है। बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड का दो बार तोड़ा दिल, शादी का झांसा देकर किया रेप, फिर किया इनकार, शिकायत के बाद गया जेल, समझौते पर छूटा, दोबारा बलात्कार कर किया प्रेग्नेंट। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में एक युवक ने इलाके की ही रहने वाली एक युवती को अपने प्यार के जाल में फंसाया, गर्लफ्रेंड को शादी का झांसा देकर उसका रेप किया। जब गर्लफ्रेंड ने शादी करने को कहा तो मना कर दिया, शिकायत के बाद युवक को जेल हुई। हालांकि फिर शादी करूंगा कहकर समझौता किया, जेल से छूटने के बाद दोबारा युवती को अपनी हवस का शिकार बनाया, युवती जब प्रेग्नेंट हुई तो फिर से उसे छोड़ दिया। अब गर्लफ्रेंड की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसे कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है। मामला बचेली थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक बचेली का रहने वाला भूषण कुमार 24 वर्ष अपने घर के पड़ोस में ही रहने वाली एक युवती से कई सालों से कांटेक्ट में था। पहले दोनों के बीच गहरी दोस्ती हुई, फिर युवक ने युवती को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया, जिसके बाद शादी करूंगा कहकर उसके साथ बार बार शारीरिक संबंध बनाता था, लेकिन जब युवती शादी करने को कहती तो टाल मटोल करता था। फिर एक दिन उसने शादी से इनकार कर दिया और युवती से ब्रेकअप कर लिया, जिसके बाद साल 2021 में युवती ने बचेली थाना में मामले की शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। केस के संबंध में कोर्ट में लगातार पेशी चलती रही, फिर एक दिन पेशी में युवक की युवती से मुलाकात हुई। युवक ने कहा कि मुझे जेल से बाहर निकाल दो, मैं शादी करूंगा, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच कोर्ट में समझौता हुआ। फिर सितंबर 2021 में युवक जेल से छूटकर बाहर आया। नवंबर में दोनों की बातचीत फिर से शुरू हुई, फिर दोबारा युवक युवती का रेप करता रहा। जब प्रेग्नेंट हुई तो उसके बाद उसने शादी से फिर से इनकार कर दिया, जिसके बाद 6 जनवरी 2023 को युवती ने फिर से बचेली थाना में मामले की शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। बचेली थाना प्रभारी गोविंद यादव ने बताया कि 11 जनवरी को आरोपी भूषण कुमार को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है।